अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्रेश कोर्स चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्रेश कोर्स का वीडियो पा सकते हैं। क्लास क्या हो गया 12, क्रेश कोर्स या कैप्सूल कोर्स। हम बता दिए थे आज क्या होगा, दो नंबर का देविया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर है आपको ए स्क्वायर, दिखाते चलो तो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन थ्री, उसके बाद टू ए प्लस वन ए प्लस टू थ्री वन वन वन, ए माइनस वन का क्या है होल क्यू है ना, तो देखो ए माइनस वन का होल क्यू कैसे आएगा, तो यहाँ पर तो क्लियर है कि ए माइनस वन पहले लाओ, पहले क्या लाना है ए माइनस वन कैसे आएगा। बढ़िया समझ लो, देखो ये चीज आपको दिया हुआ है ना, आपको प्रूव क्या करना है ए माइनस वन का होल करना है जी। देखो अब सोचेगा कि ए माइनस वन कैसे आएगा, ए माइनस वन कैसे आएगा, तो ए माइनस वन कैसे आएगा, तो देखो ध्यान लगाओ कि ए माइनस वन कैसे आ सकता है, तो दो नियम है, या तो आप सी वन लेकर के भी आप बना सकते हो, समझ गया, सी वन में भी अप्लाई कर सकते हो, सी टू में भी अप्लाई कर सकते हो, या नहीं तो आर वन और आर टू में भी अप्लाई करके आप हिसाब को बना सकते हो, क्योंकि देखो ये सी वन हो गया ना, ये क्या हो गया सी टू, अगर सी वन में से सी टू घटाते हैं तो ये दो इस दो से कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन होगा ना जी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला पर आएगा तो ए माइनस वन आएगा ही, इसमें से अगर घटाएगा तो ये माइनस ए माइनस टू होगा, तो दो ए में से वो एक घट जाएगा, एक तो बचते रहेगा, एक में से दो जाएगा तो क्या होगा माइनस एक ए माइनस वन होगा, और तीन में से तीन जाएगा तो जीरो होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादा फायदा होगा आपको कि आर वन और आर टू में अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ज्यादा फायदा होगा, क्यों, क्योंकि एक में से एक घटेगा जीरो होगा, फिर एक में से एक घटेगा यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा, ये फायदे है। अब देखो अप्लाई कर दिए R1 वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, और आर टू में क्या किया आर टू माइनस आर थ्री, इस प्रकार से अप्लाई किए हैं। देखिए R1 में से क्या घटेगा आर टू, यानी इस मान में से इस मान को घटाएंगे तो आपको क्या होगा ए स्क्वायर माइनस वन होगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस वन, वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं जी, फिर इसमें से इस मान को घटाओ क्या होगा ए माइनस वन होगा, इसमें से इस मान को घटाओ क्या होगा जीरो, फिर देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि R1 में से R2 घट रहा है जी, चेंजिंग किस में हो रहा है R1 और R2 में, अब देखो R2 वाला मान तो ये पूरा है नहीं है जी, तो अब R2 में से क्या घटेगा R3, यानी इस मान में से क्या करोगे इस मान को घटाओगे जी, इस मान में से इस मान को घटाओगे और इस मान में से इस मान को घटाओगे, तो बोलो इस मान में से इस मान को घटाओ क्या होगा टू ए प्लस वन माइनस थ्री, टू ए होगा ये होगा ना, इस मान में से इस मान को घटाओगे तो क्या होगा ये होगा, इस मान में से इस मान को घटाओगे तो क्या होगा ये होगा ना जी, उसका थ्री थ्री क्या हो गया वन हुआ कि नहीं हुआ, सेम हो गया। अब देखिए इसमें से ए माइनस वन कॉमन आ सकता है जी, और इसमें से भी क्या आ सकता है ए माइनस वन कॉमन आ सकता है, अब देखो इसमें से दो लेगा कॉमन तो ए माइनस वन बचेगा ना, यहाँ पर ए माइनस वन है ये है जीरो है ये है, उसका थ्री थ्री क्या हो गया वन, उसके बाद देखिए तो आप चाहे तो इस प्रकार से थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो
तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस वन हो गया ये जीरो, फिर क्या होगा इसमें से दो को मान लो तो ए माइनस क्या होगा वन, फिर यहाँ पर क्या होगा ए माइनस वन, ये क्या हो गया जीरो, ये सब यहाँ पर होगा उतार दिए उतार दिए। अब देखिए इसमें से a माइनस वन यानी r1 में से क्या होगा a माइनस वन कॉमन आएगा और r2 में से भी a माइनस वन कॉमन आएगा, तो निकाल लिए हैं जी, इस चीज को उतारे हैं जी सर, सर। समझ लिया ना जी सर, तो देखिए नहीं लिखा है ये a माइनस वन का क्या होगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर a माइनस वन का क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये यहाँ पर लोग ये खत्म हो गया जी, ये खत्म हो गया जी, एक से इसमें गुना करो तो a प्लस वन माइनस टू हो जाएगा, वन माइनस टू a माइनस वन, आप बोलो a माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू a माइनस वन हो गया ना। अब देखो ये दो गो मान नहीं कुछ पावर है तो क्या है एक है ना, ए माइनस वन का क्या होगा यही क्वेश्चन। तीसरा होगा काढ़े के सारणिक के परगुणों का प्रयोग करके मान निकाले। देखो वन बटे क्या है ये है, वन बटे बी है, वन बटे क्या है सी है, वन 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 हो गया बी सी, उसके बाद सी ए और ए बी, ये चीज है का मान निकाले। तो देखो अब हम करेंगे क्या मान निकालने के लिए कि इसमें जो है आर वन में ए को गुना कर दो, समझ गया ना, R1 में हम क्या करेंगे और R2 में हम क्या करेंगे B से और R3 में हम क्या करेंगे C से। सॉल्यूशन तो यहाँ पर लिख दो A गुणन कर रहे हैं जी, तो करना क्या पड़ेगा भागा ना देना होगा जी, गुणा कर रहे हैं तो क्या करना होगा भागा देना होगा। तो बोलो इसमें ए से गुना किया यहाँ पर क्या हुआ वन, इसमें ए से गुना करेगा यहाँ पर क्या होगा ए, इसमें ए से गुना करेगा क्या होगा ए बी सी, इसमें बी से गुना करेगा क्या होगा वन बी, और यहाँ पर क्या होगा ए बी सी, यहाँ पर भी वन उसके बाद सी ए बी सी हो गया ना। अब क्या करना है ए बी सी को बाहर निकाल लो, समझ गया ना, एबीसी को क्या करना है सर, इसमें प्रूफ भी क्या करना है मान निकालना है जीरो, तो कॉमन एबीसी तो वन वन कॉमन सी थ्री, कॉमन सी थ्री से क्या लोगे एबीसी 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 और नीचे में भी ना एबीसी है कवर कर रहा है ना जी, जी सर जी सर। अब देखो ये वन 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 ए बी सी, ए बी सी वन वन वन, यहाँ पर क्या होगा वन वन वन, इनका मान क्या होगा जीरो, क्यों, क्योंकि सारणिक का जो गुण है यदि दो कॉलम रो या कॉलम, समझ गया ना, दो रो या कॉलम आपस में इक्वल हो तो समान जीरो होता है, तो उसका मान क्या होता है जीरो, यहाँ दो कॉलम यहाँ पर सी वन और सी थ्री, दो कॉलम सेम है इसलिए मान जीरो हो गया। अगर आर वन आर टू सेम हो जाता तो भी, या आर टू आर थ्री सेम हो जाता या आर वन आर थ्री सेम हो जाता तब भी क्या होता जीरो जीरो होता, दिक्कत भी है इसमें, सार्वनिक गुण का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ ना तब।